आज का सवाल ये है कि क्या छोटे बच्चों को रुद्राक्ष पहनाना चाहिए? कितने छोटे बच्चे रुद्राक्ष पहन सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, वाइट और स्पिरिचुअल संस्थापक, बेंगलुरु इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत है आपका, नमस्कार। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। देखिए, ऐसा है कि बच्चे जितने ज़्यादा छोटे हों और रुद्राक्ष पहनाएं उतना ज़्यादा फायदा होता है। अभी इनका जो ये इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस है, इनका चेतना अभी जागृत हो रही है। आप देखें, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कुछ सोचते रहते हैं, कभी पुराने जन्मों की यादें भी उनके अभी तक कुछ बनी रहती हैं, तो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, अपने आप हंसते रहते हैं या कभी कभी रोने लगते हैं। तो ये दोनों दुनिया के बीच में ये इनका जो ट्रांजिशन फेज चलता रहता है बच्चों का, तो उस समय जो इनका मस्तिष्क है ये अपरिपक्व है, कॉन्शियसनेस की चेतना का विकास हो रहा है। तो उस समय ही यदि कुंडली हम देख लें और ये जान लें कि बच्चे के कौन कौन से ग्रह बाधक हैं या ख़राब हैं चार्ट में, उसको यदि जल्दी ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कोई वृक्ष है, उसमें विषैली लता लग जाती है, ऐसे बढ़ जाती है, जितना देरी होगा उतना बढ़ेगा। नेगेटिविटी को ज़्यादा बढ़ने देना नहीं चाहिए। बच्चे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही जो नेगेटिव ग्रह है उसके प्रभाव और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये अच्छा है कि सूनर द बेटर, जितना जल्दी आप इलाज करेंगे उतना अच्छा होगा। बीमारी को एकदम बढ़ा के, नेगेटिविटी को बढ़ा के, जीवन में जब बाधा उसके जीवन में आ जाए उसके बाद में इलाज करेंगे तो अच्छा नहीं है। रिएक्टिव होने से अच्छा है कि आप प्रोएक्टिव बने। जैसे कि भैया पता है कि कुछ नेगेटिविटी होने वाली है, तो उसके पहले ही उसका उपाय कर देना ज़्यादा अच्छा है। मानिए कि आपके चार्ट, बच्चे के चार्ट में बुध ग्रह ठीक नहीं है। आपको मालूम है कि बुध ग्रह ठीक नहीं होने से इसके मेमोरी पावर का प्रॉब्लम आने वाला है, इसके हार्ट, लिवर, लंग्स इसके इश्यूज होने वाले हैं, तो इसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो बुध ग्रह को ठीक अभी से क्यों नहीं कर ले, 15 में रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए बच्चे को, दिक्कत क्या है? इंडोनेशिया रुद्राक्ष जो है बहुत छोटे छोटे साइज के आते हैं, तो पहनने बहुत आसानी है। मैं तो ऐसे ऐसे परिवार को जानता हूँ, माता पिता को जानता हूँ, जैसे बच्चा पैदा हुआ जैसे हॉस्पिटल में, और तुरंत एक दो दिन बाद ही आके सलाह कर लेते हैं हमसे, टेलीफोनिक सलाह कर लेते हैं, जान लेते हैं कि सर क्या है बच्चे का, क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए बच्चे को। तो छोटे बच्चे को ही हॉस्पिटल में ही रुद्राक्ष लेके चले जाते हैं, या तो पहना देते हैं, या जो पालना है जहाँ बच्चा सोया रहता है पिलो के नीचे रख देते हैं, घर में आने के बाद में भी उसको बच्चे के साथ साथ रुद्राक्ष रखते हैं तो फ़ायदा होने लगता है, और सुविधा देकर बच्चे के गले में डाल दिया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप बच्चे को रुद्राक्ष पहनाइए, उससे नेगेटिविटी बढ़ेगी नहीं और जल्दी फायदा होने लगेगा, और जो बाधा विघ्न बच्चा आगे चल के फेस करने वाला है उससे बच जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। उसमें ऊर्जा की ज़्यादा हो, ऊर्जा की कमी हो, ज्ञान की बातें हों, नॉलेज की, मेमोरी की बातें हों, इमोशनल डिस्टर्बेंस की बातें हों, खाने पीने हाजमे की बातें हों, तो जो जो भी समस्याएँ हैं उसको पहले ही ठीक कर लो आप, उचित रहेगा। अगली वीडियो में और कोई सवाल जो आपके द्वारा भेजे हुए होंगे उसको लेकर वीडियो बनाएंगे हम। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।